हेलो एंड वेलकम। तो आज हम बनाएंगे चार अलग अलग तरह के सूप्स। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पर्सनली सूप को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करती हूँ, क्योंकि सूप सिर्फ टेस्टी नहीं होते बल्कि ये काफ़ी फिलिंग भी होते हैं। अपने मील से पहले अगर हम सूप को पीते हैं तो हम ओवर ईटिंग नहीं करते। सूप एक बहुत ही अच्छा तरीका है वेजिटेबल्स को कंज्यूम करने का। ये एक ऐसा कंफर्ट फूड है जिसे स्पेशली सर्दियों के मौसम में पीने में बहुत ही मज़ा आता है। हर सूप के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कोई हमारे बॉडी को इसेंशियल विटामिंस देता है, कोई आइज़ के लिए अच्छा होता है तो कोई स्किन के लिए अच्छा होता है, कोई कफ एंड कोल्ड को दूर रखता है तो कोई इन्फ्लामेशन को कम करने में हमारी मदद करता है। और अगर इन सूप्स को हेल्दी तरीके से बनाया जाए तो सभी तरह के सूप वेट लूज करने में भी मदद कर सकते हैं। और आज हम इसी तरह के चार अलग अलग सूप्स बनाने वाले हैं। इन सभी रेसिपीज़ को बनाना बहुत ही आसान है और कुछ ही मिनट्स में ये रेडी भी हो जाती हैं। तो चलिए आप भी रेडी हो जाइए पहले सूप की रेसिपी को जानने के लिए। रेसिपी कंप्लीट होने के बाद मैं उस सूप की इंग्रेडिएंट लिस्ट यानी कि रेसिपी कार्ड को स्क्रीन पे प्रेजेंट करूंगी, जिसकी पिक्चर आप उस टाइम पे ले सकते हैं। तो फर्स्ट सूप जो हम बनाने जा रहे हैं वो है बहुत ही खास वेजिटेबल लेमन एंड कोरिएंडर सूप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सॉस पैन में थोड़ा सा घी लेंगे। अब मैं जानती हूँ कि यह सॉस पैन बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत लोग मेरे से इसका लिंक मांगने वाले हैं, तो जितनी भी चीज़ें मैं आज यूज़ करने वाली हूँ उसमें जो भी पॉसिबल होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड ज़रूर करूँगी। तो घी के गर्म होने के बाद मैंने इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर लिया है जिसे मैं रोस्ट कर रही हूँ। जैसे ही जिंजर और गार्लिक गोल्डन ब्राउन होने लगेगा हम पैन के अंदर कोरिएंडर की स्टेम्स डालेंगे। सो धनिए की ये स्टेम्स जिन्हें हम यूजुअली डिस्कार्ड कर देते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो होते ही हैं और इनका भी एक यूनिक टेस्ट होता है जिसकी वजह से हम इन्हें सूप में ले रहे हैं। तो रफली चॉप किए हुए स्टेम्स को डालने के बाद हम बारीक कटी हुई सब्जियों को पैन में ऐड करेंगे। ये सभी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सबके अलग अलग फ़ायदे होते हैं, टेस्ट होता है। सो आपके पास इस तरह की जो भी सब्जियां अवेलेबल हों आप उन्हें चॉप करके इस तरह से ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें हम पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स ऐड करेंगे। सो पनीर की जगह आप टोफू भी ले सकते हैं और अगर चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इस सूप के अंदर पनीर काफ़ी अच्छा लगता है इसलिए मैं तो ज़रूर ऐड करती हूँ। हल्का सा स्टर करने के बाद अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। सूप की जैसी कंसिस्टेंसी पसंद हो आप उसके हिसाब से अपने अंदाजे से पानी ले सकते हो। अब हम इसके अंदर 4 से 5 बॉयल्स आने देंगे ताकि सभी सब्जियां अच्छे से पक जाए। इसी टाइम पे आप पैन के अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करोगे। सॉल्ट एंड पेपर की क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि आपने पानी कितना ऐड किया है, चाहे तो जरा सा टेस्ट करके देख सकते हो। एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कवर करके इसे रख देंगे। अब लिड को ओपन करने के बाद इस सूप के 2 बहुत ही खास इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। पहला कोरिएंडर, जिसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ताजा नींबू का रस, इसे लास्ट स्टेप में ही डालना है बिकॉज लेमन जूस को पहले डालने से सूप कड़वा हो सकता है। बस अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसी के साथ हमारा वेज लेमन एंड कोरिएंडर सूप रेडी है। ये बहुत ही लाइट होता है जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। ढेर सारी सब्जियां पनीर के साथ साथ इसके अंदर लेमन है जो कि विटामिन सी में रिच है। ये इम्यूनिटी के लिए और स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। लो कैलोरी सूप है जो कि वेट लूज करने में भी मदद करता है। आप चाहें तो इसे डिनर से कुछ देर पहले भी ले सकते हैं या फिर एज अ डिनर भी ले सकते हैं जिसके साथ आप कोई एक और लाइट सी डिश बना के पेयर कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और इसे पीने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आई एम श्योर कि ये रेसिपी तो आपको पसंद आई ही होगी और अभी आगे आने वाले सूप भी आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। नेक्स्ट सूप की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। 2023 खत्म होने वाला है और ये वो टाइम है जब हम अगले साल के लिए अपने गोल्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो आपका 2024 का क्या गोल है कमेंट करके सभी के साथ शेयर कीजिए। भले ही वो आपकी कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या करियर रिलेटेड हो या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई ड्रीम हो, जो भी है अगर आप उसे शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। यू नो, जब हम अपने गोल्स को अनाउंस करते हैं तो उनके पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि हम उस गोल को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, तभी हम उसे सबके साथ शेयर कर पा रहे हैं।
तो मैं आपके गोल्स को जानने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। जल्दी से बताइए कि वो क्या चीज है जिसे आप अगले साल अचीव करना चाहते हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है, तो उसे बिल्कुल मत भूलना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। अब चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रेसिपी, जिसका नाम है रेड वेलवेट सूप। इसके लिए हम पहले एक चकुंदर यानी कि बीटरूट का पील उतार कर उसे पीसेस में कट कर लेंगे, रफली चॉप करना है। और इसके बाद हम कैरेट भी इसी तरह से कट करने वाले हैं। बीटरूट और कैरेट दोनों ही मौसम की सब्जियां हैं और ये दोनों ही विटामिन ए और सी में रिच होती हैं, जो कि हेयर और स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। ये दोनों वेजिटेबल्स आयरन और फॉलिक एसिड का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, जिससे हीमोग्लोबिन के लेवल्स भी मेंटेन करने में मदद मिलती है। बीटरूट और कैरेट के साथ साथ इस सूप को बनाने के लिए हम टमाटर भी लेंगे। तो अब तीनों सब्जियों को कट करने के बाद प्रेशर कुकर में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। गरम होने के बाद उसमें तेज पत्ता यानी कि बे लीफ ऐड करेंगे, साथ में थोड़ी सी अदरक डालेंगे और लहसुन के भी एक दो पीसेस लेंगे। अब इन्हें थोड़ा सा पकाएंगे। सो बे लीफ को बहुत सारे सूप्स की रेसिपीज में ऐड किया जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग अरोमा और फ्लेवर होता है। इसमें नेचुरल ऑयल होता है जो कि धीरे धीरे खाने में रिलीज होता है और ये उसके फ्लेवर को इन्हांस कर देता है। तो पहले मैं बीटरूट और गाजर को थोड़ा सा कुक कर रही हूँ, और 2 मिनट कुक करने के बाद हम इसके अंदर टमाटर भी ऐड करेंगे और फिर थोड़ा पकाएंगे। सभी चीजें हल्का हल्का पक चुकी हैं, अब इसके अंदर सॉल्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो सूप की ये भी एक बहुत ही खास बात है कि सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर के साथ भी ये इतने टेस्टी बन जाते हैं, किसी और मसाले की नीड ही नहीं होती। अब इसमें अच्छे अमाउंट में पानी ऐड कर लेते हैं। गर्म पानी ऐड करने से इसमें जल्दी बॉयल आ जाएगा और फिर हम कुकर को बंद कर देंगे। अब इसमें 3 विसल्स आने का वेट करेंगे, क्योंकि बॉयल आ चुका था तो विसल आने में भी टाइम नहीं लगेगा। अब 3 विसल के बाद कुकर में से स्टीम निकाल देंगे और अब ढक्कन को खोल लेते हैं। तेज पत्ते का सारा ऑयल डिफ्यूज हो चुका है, इसलिए इसका अब कोई काम नहीं है। अब एक हैंड ब्लेंडर की मदद से हम सभी चीजों को ब्लेंड कर लेंगे। आप इसे मिक्सर में डालकर भी ब्लेंड कर सकते हो। हैंड ब्लेंडर से करने से प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है और लेना चाहते हो, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो ये अब गाढ़ा सा पेस्ट रेडी हो गया है, जिसे हम एक स्ट्रेनर की मदद से पतीले के अंदर निकाल लेंगे। अच्छे से एक करछी या फिर बड़े स्पून की हेल्प से सारा जूस स्क्वीज कर लेंगे। अब जितने पानी की नीड लगे उस हिसाब से हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। कई बार पहले ही पानी काफी होता है तो दोबारा ऐड करने की नीड नहीं पड़ती। चलिए अब 1-2 बॉयल्स आने का वेट करते हैं और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड कर लेते हैं। सॉल्ट क्योंकि हमने पहले भी लिया था, इसलिए इस बार कम ही लेना है। तो जैसे ही बॉयल आ जाएगा, इसका मतलब है कि सूप रेडी हो गया है और अब हम इसे एक सूप बोल के अंदर डाल के सर्व कर सकते हैं। इस सूप का कलर और टेक्सचर इतना वेलवेटी है कि मैंने इसका नाम ही रेड वेलवेट सूप रख दिया। तो कैसी लगी आपको ये वाली रेसिपी? जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तब भी आप इन सूप को अपनी डाइट में ले सकते हैं। ये लो कैलोरी रेसिपीज हैं और इन्हें पीने के बाद फिलिंग भी लगता है, इसलिए मील्स का पोर्शन भी कंट्रोल हो जाता है। हम अपने डाइट प्लान्स में भी इस तरह के इंटरेस्टिंग सूप्स इंक्लूड करते हैं। आप चाहें तो अपने लिए हमारे सर्टिफाइड प्रोफेशनल से कस्टमाइज्ड मील प्लानिंग करवा सकते हैं, जिसमें वो आपके टेस्ट, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स, आप कहाँ पे रहते हैं, इन सभी चीज़ों के बेसिस पे पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स प्रोवाइड करेंगे। और हर हफ्ते आपके साथ एक कॉल रखी जाएगी, जिसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपको अपना गोल अचीव करने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट और रेगुलरली मोटिवेट किया जाएगा। आई एम वाओ प्रोग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ।
और अब चलते हैं आज की थर्ड सूप रेसिपी पे, जो मैंने अपने मदर इन लॉ से सीखी है। ये बहुत ही सिंपल है, वार्मिंग है और हीलिंग है। हीलिंग इसलिए क्योंकि अगर आप इस सूप को लेते हो तो आप सर्दी खांसी से बचे रहोगे, और अगर आपको सर्दी लगी है या कोल्ड है तो इसे लेते ही आप एकदम बेटर फील करोगे। चलिए बनाते हैं ये इम्यूनिटी बूस्टर अनियन एंड गार्लिक सूप। तो सबसे पहले एक अनियन को हम पीसेस में कट करेंगे। आप जानते हैं कि प्याज में भी एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। और इसके अंदर जो फाइबर होता है ना, वो प्रीबायोटिक का काम करता है, मतलब कि हमारे गुड गट बैक्टीरिया को प्रमोट करता है, जिससे हमारी डाइजेशन बेहतर होती है। इसीलिए प्याज को सैलेड में भी लिया जाता है। अब इन कटे हुए अनियन के पीसेस को प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम कुछ लहसुन भी ऐड करेंगे। गार्लिक भी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रखता है, जिसकी वजह से ये सूप एकदम मेडिसिनल बन जाता है। अब ये छोटा सा जिंजर का पीस भी हम इसके अंदर डालेंगे और फिर पानी ऐड करेंगे। अंदाजे से पानी डालना है, अगर आपको बाद में कम लगे तो और भी ऐड कर सकते हो। अब कुकर को बंद करके इसमें 3 से 4 विसल्स दिलवाएंगे। चलिए अब स्टीम निकाल देते हैं और फिर कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। सब कुछ अच्छे से गल चुका है। एक हैंड ब्लेंडर की मदद से कुकर के अंदर ही इसे ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो मिक्सी में डाल के आप इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब अच्छे से पीसने के बाद हम इसे छान के एक सॉस पैन के अंदर निकाल लेंगे। अब आपको अगर और पानी की जरूरत लग रही है तो ऐड कर सकते हैं, और फिर 1 चम्मच घी डालेंगे। बॉयल आएगा और साथ ही में हम इसमें नमक और ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे। अब लास्ट में हम इसके अंदर चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और सीधा चॉप किया हुआ धनिया डालेंगे। इससे सूप की गार्निशिंग भी हो जाएगी और फ्लेवर भी एनहांस हो जाएगा। अब इस सूप को गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे, और इसी के साथ रेडी है हमारा अनियन एंड गार्लिक सूप। इस आसान सी रेसिपी को आप आज ही जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे इसकी पिक भी शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी है गुंजन शाउट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं अगली रेसिपी पे, जो है स्पिनच एंड कॉर्न कम्फर्ट सूप। कम्फर्ट सूप इसलिए क्योंकि इसे पीने के बाद आपकी बॉडी एकदम वार्म एंड कम्फर्टेबल फील करने वाली है। सबसे पहले सॉस पैन में हम थोड़ा सा पानी लेंगे, इसे बॉईल करेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। दूसरी तरफ हम पालक को चॉप कर लेंगे। सो पालक क्योंकि पकने के बाद बहुत कम रह जाती है, इसलिए इसे अच्छी क्वांटिटी में ही लें। वैसे सभी इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं एंड में रेसिपी कार्ड्स में शेयर कर ही रही हूँ, आप सिंपली उसे फॉलो कर सकते हैं। तो अब कटी हुई पालक को हम बॉइलिंग वाटर में डाल देते हैं और ब्लांच होने देंगे। पालक सर्दियों की बहुत ही खास वेजिटेबल है, जो कि आपको वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती है। ये सुपर लो कैलोरी वेजिटेबल है। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो 5 विंटर फूड्स में भी बताया था, आप इसके बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। पालक थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, अभी इसे कवर्ड ही रहने देते हैं और साइड में रख देते हैं। इतने में दूसरा पैन लेंगे, जिसमें थोड़ा सा घी लेंगे। घी के गरम होते ही इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे। इसके बाद इसमें बॉइल्ड स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट में कुक करेंगे, जिससे कि कॉर्न हल्के हल्के ब्राउन होने लगेंगे और बहुत ही प्यारा अरोमा भी आएगा। फिर इसके अंदर पानी डालेंगे। बॉयल आते ही थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे और वाइट पेपर भी डालेंगे। सो अब ना इस सूप को थिक करने के लिए मैं कॉर्न फ्लावर की जगह रागी फ्लावर की स्लरी बना रही हूं।
यूजुअली सूप्स की कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए कॉर्नफ्लावर स्लरी यूज़ की जाती है, पर हम इन सभी सूप्स को बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रहे हैं, इसलिए मैं रागी का यूज़ कर रही हूँ। रागी के हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही, पर ये बहुत ही जल्दी पक भी जाती है, इसलिए इसे सूप में ऐड कर सकते हैं। बस 2 चम्मच रागी फ्लावर को थोड़े से पानी के साथ अच्छे से मिक्स करना है। इसकी स्लरी तैयार है और अब हम इसे सूप में डाल सकते हैं। डालते ही अच्छे से स्टर करेंगे ताकि लम्स ना बने। तो चलिए, इसके बाद ये ब्लांच्ड पालक भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मैं पानी के साथ ही डाल रही हूं क्योंकि एनीवे हमने सूप को तो पतला करना ही है। चलिए अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक बॉयल आने का वेट करते हैं। अब हम इसे एक सूप बोल के अंदर सर्व कर सकते हैं और इसी के साथ हमारा स्पिनच एंड कॉर्न सूप भी तैयार है। आप आराम से अपने पजामाज में बैठ के इस कंफर्ट सूप को एंजॉय कीजिए। हमने कितने अलग अलग तरह के सूप बनाए, पर एक भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करा जो हेल्थ के लिए सही ना हो। इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। और सबसे अच्छा सूप आपको कौन सा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, फिट रहो, हिट रहो।